देखिए जो नतीजे हैं वो इस राज्य की जनता के लिए बेहतर परिणाम लेके आने वाले हैं। इस राज्य में पुनः एक बार हम लोग हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं और भारी बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा है, जो उम्मीद है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हेमंत सोरेन जी से, इंडिया गठबंधन से, उसको हम पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए मैं किसी पे सवाल नहीं उठाऊंगा और जिस एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं, जनता से बड़ा कोई एग्जिट पोल नहीं होता है और जनता ने जब हमको आशीर्वाद दिया है, अपना सहयोग और समर्थन दिया है, तो हम जनता को, इस राज्य की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और उनके सामने हम नतमस्तक भी हैं कि उन्होंने पुनः हम पर विश्वास किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास किया, हमारे नेता पर विश्वास किया है। और ये जो पूरा चुनाव है ये माननीय शिबू सोरेन जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने लड़ा और जिसका परिणाम है कि पुनः एक बार हम इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। देखिए हम नसीहत नहीं दे सकते हैं, राज्य की जनता ने उन्हें नसीहत दे दिया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया इस राज्य में, ये बहुत दुखदाई है और इस राज्य के लोगों ने उनको जवाब दिया है कि झूठ का जो शासन है या झूठ बहुत दिन नहीं चलता, जो सच्चाई है वो राज्य की जनता के सामने, देश के सामने आ चुकी है। नहीं, बहुत जल्द पूरा परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद विधायक दल की बैठक भी होगी, नेता भी चुने जाएंगे और फिर हम लोग ओथ का समय भी आपको देंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि जिसने ये कहा था कि मैं यहाँ ओथ सेरेमनी में आऊंगा, उनको हम लोग सबसे पहले आमंत्रित